गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? यू आर फाइन, ओके। हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ इन, ऑन और अंडर। क्या पढ़ेंगे आज हम? यूज ऑफ इन, ऑन और अंडर। आपको मेरी बुक का पेज दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पर मैं पढ़ूंगी वहाँ वहाँ पर आप सब अपनी फिंगर रखेंगे, ओके? देखो, सबसे ऊपर लिखा है यूज़ ऑफ इन। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूज़ ऑफ इन के बारे में, कि यूज़ ऑफ इन क्या होता है, कि हम इन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, ठीक है? इसमें लिखा है ए ए बी ओ वाई बॉय, आई एस इज आई एन इन ए कार, ए बॉय इज इन ए कार, कि जो बॉय है वो कार के अंदर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा हुआ है? अंदर बैठा हुआ है। अब आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है सभी को? इस पिक्चर में ये जो बर्ड है ये अंदर बैठी हुई है नेस्ट के। कहाँ पर बैठी हुई है? नेस्ट के अंदर बैठी हुई है ना? तो इसलिए हम इसमें किसका यूज़ करेंगे? आई एन इन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? आई एन इन का यूज़ करेंगे। देखो, इसमें लिखा है ए बर्ड इज़ इन द नेस्ट, कि ये जो बर्ड है वो नेस्ट के अंदर बैठी हुई है, इसलिए हमने इसमें इन का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? इन का यूज़ किया है। ए बर्ड इज़ इन द नेस्ट, ए बर्ड इज़ इन द नेस्ट, बर्ड इज़ इन द नेस्ट, ए बी आई आर डी बर्ड, आई एस इज आई एन इन टी एच ई द एन ई एस टी नेस्ट, ए बर्ड इज इन द नेस्ट। सेकेंड लाइन पर आएंगे, थर्ड लाइन पर देखें, ए एल आई ओ एन लायन, आई एस इज आई एन इन ए डैन, ए लायन इज इन ए डैन, जो लायन है वो डैन के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि जो लायन है वो गुफा के अंदर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा हुआ है? अंदर बैठा हुआ है। ए एल आई ओ एन लायन, आई एस इज आई एन इन ए डैन, ए लायन इज इन ए डैन। नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, ए सी ए टी कैट, आई एस इज आई एन इन ए टब, ए कैट इज इन द, ए कैट इज इन ए टब, जो कैट है वो अंदर बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? अंदर बैठी हुई है। तो इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया है? आई एन इन का, ए कैट इज इन ए टब। नेक्स्ट लाइन पर देखें, ए एफ आई एस एच फिश, आई एस इज आई एन इन ए डी आई एस एच डिश, ए फिश इज इन ए डिश, जो फिश है वो डिश के अंदर है। किसके अंदर है? डिश के अंदर है। तो ए फिश इज इन ए डिश। देखिए, फर्स्ट लाइन पर आपने देखा ए बॉय इज इन ए कार, जो बॉय है वो कहाँ पर बैठा है? एक बॉय है वो कार के अंदर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा हुआ है? अंदर बैठा हुआ है। तो इसलिए हमने इसमें इन का यूज़ किया है, ठीक है? उसके बाद है आपका ए बर्ड इज़ इन द नेस्ट, जैसे ये बर्ड है वो नेस्ट के अंदर बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? अंदर बैठी हुई है। तो इसलिए हमने इसमें किसका यूज़ किया है? आई एन इन का यूज़ किया है हमने इसमें। तो ए बर्ड इज़ इन द नेस्ट, ए बर्ड इज़ इन द नेस्ट। नेक्स्ट है आपका ए लायन इज इन ए डैन, अब एक लायन है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? डैन के अंदर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा है? अपनी गुफा के अंदर बैठा हुआ है। तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे ए लायन इज इन ए डैन, ओके? नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, ए कैट इज इन ए टब, ए कैट इज ए टब, जो कैट है वो टब के अंदर बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? अंदर बैठी हुई है। तो इसलिए हमने इसमें लिखा है ए कैट इज इन ए टब, ए कैट इज इन ए टब। अब नेक्स्ट लाइन पर आए, ए एफ आई एस एच फिश, आई एस इज आई एन इन ए डिश, ए फिश इज इन ए डिश, जो फिश है वो डिश के अंदर है। किसके अंदर है वो? डिश के अंदर। तो इसलिए हमने इसमें किसका यूज़ किया है? आई एन इन का, ओके? इट्स क्लियर। चलिए अब नीचे आएंगे, यहाँ पर देखें आप, अब हम सीखेंगे यूज ऑफ ऑन का, ठीक है? यूज ऑफ ऑन, कि हम ऑन का यूज कहाँ पर करते हैं। कोई चीज
कहीं पर ऊपर रखी हुई होती है किसी चीज के, तो हम उसमें ऑन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है, ए जी आई आर एल गर्ल, आई एस इज ऑन ए एस ओ एफ ए सोफा, ए गर्ल इज ऑन ए सोफा, ए गर्ल इज ऑन ए सोफा, ए गर्ल है वो सोफे के ऊपर बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? ऊपर बैठी हुई है, तो इसलिए हम इसमें ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओ एन ऑन का यूज करेंगे, ए गर्ल इज ऑन ए सोफा, क्योंकि गर्ल जो है वो सोफे के ऊपर बैठी हुई है। अगर वो कोई चीज अगर सोफे के नीचे होती तो उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अंडर का। अगर ऊपर होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं, अंदर होती है तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। इसमें देखें, ए बी डबल ओ के बुक, आई एस इज ओ एन ऑन ए टेबल, ए बुक इज ऑन ए टेबल, एक बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है? जो बुक होती है वो हम टेबल के ऊपर ही तो रखते हैं, नीचे थोड़ी ना रखते हैं। तो इसलिए ए बुक इज ऑन ए टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो इसमें हम ऑन का यूज करेंगे क्योंकि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। तो ए बुक इज ऑन ए टेबल। नेक्स्ट देखें, एक कॉक, ए सी ओ सी के कॉक, आई एस इज ओ एन ऑन ए मैट, ए कॉक इज ऑन ए मैट, जो कॉक है वो मैट के ऊपर है। किसके ऊपर है वो? मैट के ऊपर, ए कॉक इज ऑन ए मैट, कॉक मैट के ऊपर है, तो इसलिए हम लिखेंगे ए कॉक इज ऑन ए मैट। अब नेक्स्ट है आपका ए डी ओ जी डॉग, आई एस इज ओ एन ऑन ए लॉग, ए डॉग इज ऑन ए लॉग, एक डॉग है वो कहाँ पर बैठा है? लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा है? ऊपर बैठा है, तो इसमें हम लिखेंगे ए डी ओ जी डॉग, आई एस इज ओ एन ऑन ए लॉग, ए डॉग इज ऑन ए लॉग, क्योंकि वो लकड़ी के ऊपर है तो इसलिए हम उसमें ऑन का यूज करेंगे। ओके, इधर देखें आप एक बार इस पिक्चर में, ये देखें आप, इसमें एक कॉक है, ये मैट के ऊपर बैठा हुआ है ना कि मैट के नीचे बैठा हुआ है। कहाँ पर बैठा है? मैट के ऊपर है, तो इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया है? ओ एन ऑन का यूज किया है। किसका यूज किया है? ए कॉक इज ऑन ए मैट, ऑन का यूज किया है क्योंकि ये मैट के ऊपर है। ठीक है, चलिए समझ आया आपको यूज ऑफ ऑन। अब आप नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ अंडर। ठीक है, अंडर का मीन्स होता है नीचे। पहले आपने पढ़ा यूज ऑफ इन, उसके बाद आपने पढ़ा यूज ऑफ ऑन, अब आप पढ़ेंगे यूज ऑफ अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे, जैसे इन मीन्स होता है अंदर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इन मीन्स होता है अंदर, ऑन मीन्स होता है, ऑन का यूज हम करते हैं ऊपर के लिए, ऊपर, और अंडर मीन्स होता है नीचे। ठीक है, अगर कोई चीज अगर कहीं पर नीचे रखी हुई है तो हम उसके लिए अंडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अंडर का यूज करते हैं। तो ठीक है, अब आप यहाँ देखें फर्स्ट लाइन में, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में एम ओ टी एच ई आर मदर, आई एस इज यू एन डी ई आर अंडर, टी एच द एफ एन फैन, द मदर इज अंडर द फैन, जो मदर है वो फैन के नीचे बैठी हुई है। ऊपर तो नहीं बैठेगी ना फैन के, मदर नीचे बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? नीचे। ऊपर पंखा चल रहा है छत पर और हम उसके नीचे बैठते हैं, तो जो मदर है वो कहाँ पर बैठी हुई है? फैन के नीचे बैठी हुई है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? अंडर का यूज करेंगे। तो मदर इज अंडर द फैन, मदर कहाँ पर बैठी है? फैन के नीचे। ओके, अब नेक्स्ट देखें, यू एन सी एल ई अंकल, आई एस इज यू एन डी ई आर अंडर, टी एच ई द टी आर डबल ई ट्री, अंकल इज अंडर द ट्री, जो अंकल हैं वो ट्री के पेड़ के कहाँ पर बैठे हैं? नीचे बैठे हुए हैं। अंकल इज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ के नीचे, तो इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया है? यू एन डी ई आर अंडर का। ओके, अंकल इज अंडर द ट्री, जैसे मदर जो है वो फैन के नीचे बैठी हुई है, तो मदर इज अंडर द फैन, ऐसे ही जो अंकल हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए हैं? पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका एफ ए टी एच ई आर फादर, आई एस इज यू एन
BER under ANN UM BRE double LA umbrella. Father is under an umbrella. जो फादर हैं वो अम्ब्रेला के नीचे हैं, कहाँ पर है अम्ब्रेला के नीचे, छाता जो है वो उनके ऊपर है ना, तो इसलिए वो कहाँ पर हुए छाते के नीचे, तो इसलिए फादर इज अंडर एन अम्ब्रेला. नेक्स्ट देखें ए डीओजी डॉग आई एस इज यू एन डी ई आर अंडर ए कोट. ए डॉग इज अंडर ए कोट. ए डॉग इज अंडर ए कोट. जो डॉग है वो चारपाई के नीचे बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है नीचे बैठा हुआ है. ए डॉग इज अंडर ए कॉट. अभी दिखाती हूँ मैं आपको इस पिक्चर में, ये देखो ये डॉग है, ये डॉग है और ये कहाँ पर बैठा हुआ है चारपाई के नीचे बैठा हुआ है. कहाँ पर बैठा है चारपाई के नीचे. ऊपर अगर ये बैठता तो हम इसमें ऑन का यूज़ करते, लेकिन ये नीचे बैठा हुआ है तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे अंडर का. ओके तो द डॉग इज ऑन अंडर द कोट. द डॉग इज अंडर द कोट. कैसे लिखेंगे हम इसको, ए डॉग इज अंडर ए कोट. ठीक है अब नेक्स्ट लाइन पर आएंगे आप. नेक्स्ट लाइन पर देखें ए बी ए डबल एल बॉल आई एस इज यू एन डी ई आर अंडर ए चेयर. ए बॉल इज अंडर ए चेयर. जो बॉल है वो चेयर के नीचे है, कहाँ पर है वो चेयर के नीचे. ए बॉल इज अंडर ए चेयर. ए बॉल इज अंडर ए चेयर. बॉल कहाँ पर है चेयर के नीचे. ओके फर्स्ट लाइन में आपने देखा मदर इज अंडर द फैन. जो मदर है वो फैन के नीचे बैठी हुई है, इसलिए हमने इसमें अंडर का यूज किया है. अंकल जो हैं वो ट्री के नीचे हैं, तो इसमें भी हमने अंडर का यूज करना है. फादर इज अंडर एन अम्ब्रेला. जो फादर है वो अम्ब्रेला के नीचे हैं, तो इसलिए हमने इसमें अंडर का यूज किया है. ए डॉग इज अंडर ए कोट. जो डॉग है वो चारपाई के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें अंडर का यूज किया है. ए बॉल इज अंडर ए चेयर. जो बॉल है वो चेयर के नीचे है, कहाँ पर है वो चेयर के नीचे, तो इसलिए हमने इसमें किसका यूज किया है यू एन डी ई आर अंडर का यूज किया है. ओके आपको समझ में आया यूज ऑफ इन ऑन अंडर. इन में अंदर के लिए करते हैं, ऑन का यूज हम ऊपर के लिए और अंडर का हम यूज नीचे के लिए करते हैं. ओके इट्स क्लियर. आप सभी इसकी रीडिंग करेंगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. ओके थैंक यू.